हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा सो कैसे हैं आप सब दोस्तों एंड तैयारी बढ़िया चल रही होगी उम्मीद करता हूँ आशा करता हूँ चलिए तो थर्ड लेक्चर है जनरल साइंस के ऊपर हमारा ओके पास्ट ईयर एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी के जो वेरियस एग्जाम्स होते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी पिछली दो वीडियोज़ में बता चुका हूँ ओके okay? तो कौन सा पेपर हम डिस्कस कर रहे थे हम डिस्कस कर रहे थे सी का पेपर ऑलरेडी टेन क्वेश्चन देख चुके हैं नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन अब देखेंगे इसके अंदर और प्रोसेस आपने वही फॉलो करना है क्वेश्चन को देखें खुद से आंसर करने की कोशिश करें फिर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और राइट एंड पांच क्वेश्चन का पूरा अच्छे से मुआयना कर लेंगे आराम से दस बारह क्वेश्चन यहाँ से इस वीडियो में से आपके ईजिली सॉल्व होते हैं दस से बारह क्वेश्चन का डाटा यहाँ पर आपको मिलता है पहला सवाल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन 2021 के सी आई एस एफ के पेपर में पूछा हुआ है मैंने नहीं बनाया ये क्वेश्चन तो हार्मोन कौन सा है जो प्लांट हार्मोन है यानी कि तीन चार चार में से तीन ऐसे हैं जो आपको आ, एनिमल्स या ह्यूमंस में आप कह सकते हो मिलेंगे एक ऐसा हॉर्मोन है जो प्लांट्स में मिलता है तो वो कौन सा हॉर्मोन होगा ऑस्ट्रोजन साइटोकिनिन इंसुलिन या फिर थायरोक्सिन कौन सा हॉर्मोन होगा तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी साइटोकिनिन इतना मुश्किल सवाल नहीं है आसान सा सवाल है ठीक है साइटोकिनिन लेकिन अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन चारों हार्मोन्स के बारे में एक एक करके क्योंकि इनमें से काफी सारे सवाल जो हैं एप्लीकेशन बेस्ड सवाल जनरली uh, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जनरल साइंस में तो एक एक करके सारे हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे साइटोकिनिन से जो एक प्लांट हॉर्मोन है ओके सो साइटोकिनिन बेसिकली इट इज अ हॉर्मोन विच इज़ अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ में ये प्राइमरी रोल प्ले करता है ओके okay? एंड बेसिकली इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सेल ग्रोथ जो प्लांट सेल होते हैं उनकी ग्रोथ में डेवलपमेंट डिफ्रेंसिएशन इफेक्टिंग एपिकल डोमिनेंस सेंसेंस एंड डोमिनरी बर्ड ग्रोथ तो कहीं ना कहीं ग्रोथ रेगुलेटर इसीलिए इसको कहा जाता है या इसको पीजीआर भी अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो एनसीईआरटी में ये टर्म बहुत ज्यादा मैंशन होती है पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ठीक है तो इज अ टाइप ऑफ अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन ये जो हार्मोन है ये आपको ऑलमोस्ट सारे जो भी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा चाहे वो बैक्टीरिया हैं मॉसिस हैं फंगा हैं उनमें भी आपको ये सारे देखने को मिलेंगे साइटोकिन यूजुअली फॉर्म जो होते हैं वो रूट्स में होते हैं प्लांट की एंड देन दे ट्रेवल थ्रू आउट द प्लांट अक्रॉस ठीक है तो जाइलम के थ्रू वो बाकी के uh, जो प्लांट के पार्ट्स हैं उनमें भी इट गोज और एंड इट ऑल्सो देन हेल्प इन यू नो प्लांट ग्रोथ लाइक फ्रूट की ग्रोथ में सीड की ग्रोथ में लीवस की ग्रोथ में ऑल राइट सो साइटोन इनको आपने याद रखना है कि इट इज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अब देखो जैसे पीछे सवाल था अगर मैं पीछे चला जाऊँ यहाँ पर सवाल था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हॉर्मोन यहाँ पर मैं अगर ये लिख देता विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन और मैं नीचे ये ऑस्ट्रोजन इंसुलिन और थाइरोक्सिन की जगह ए बी सी लिख देता लेकिन वो ग्रोथ हार्मोन नहीं है तो आपको भी पूछ सकता है कि साइटोकिन क्या काम कर सक, करता है प्लांट्स में साइटोनिन हार्मोन का क्या रोल है नीचे चार ऑप्शन दे, दे देगा चार डिफरेंट डिफरेंट रोल दे, दे देगा आंसर क्या हो जाएगा भाई ग्रोथ रेगुलेटर ऑलराइट राइट तो इस तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है

ओवरी दो ग्रुप ऑफ स्टीरोस प्रोड्यूस करती है दो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती कर एस्ट्रोजन या जिसको हम ऑस्ट्रोजन भी कहते हैं कई जगह ऑस्ट्रोजन लिखा होता है कई जगह पर एस्ट्रोजन लिखा होता है ठीक है तो ओवरीज दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन ओके okay? तो ये दो हार्मोन्स होते हैं अब प्रोड्यूस कैसे होते हैं वो देखते हैं तो एवरी ओवरी इज कम्पोज ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज जो ओवरी की कंपोजिशन है वो इनसे होती है ओवरी देन जो रपचर्ड फॉलिकल होता है ना जब ओव्यूशन हो जाता है मेच्योर एग ओवी से रिलीज हो जाता है तो जो फॉलिकल जो रपचर्ड फॉलिकल होता है दैट इज कन्वर्टेड इंटू अट्रक्चर और ये जो कॉर्पस ल्यूटम होता है ये से करता है प्रोजेस्टर को अब ये इतना कॉम्प्लेक्स मामला अगर आपको याद ना भी रहे तब भी कोई दिक्कत है नहीं मेनली आपने याद रखना है कि ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दो ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो ओवरी रिलीज करती हैं और आपको ये याद करना है अब कि ये जो आपका ऑस्ट्रोजन है या एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है ये काम क्या करते हैं तो काम देख लेते हैं कि क्या करते हैं सो एस्ट्रोजन प्रोड्यूसेस वाइड रेंजिंग एक्शन सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ऑवेरियन फॉलिकल्स अपियरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स लाइक हाई पिच ऑफ वॉइस मेमरी ग्लैंड डेवलपमेंट तो ये सारा काम एस्ट्रोजन का है इसके अलावा एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल सेक्शुअल बिहेवियर को भी रेगुलेट करते हैं ओके okay? उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेस्टिरोन प्रोजेस्टिरोन जो है ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है ओके एंड इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन द मेमरी ग्लैंड एंड स्टिम्युलेट द फॉर्मेशन ऑफ एलवियोलाय विच आर द sac लाइक structures which स्टोर मिल्क तो प्रेगनेंसी के बाद जो ब्रेस्ट uh, फीडिंग uh, के लिए जो मिल्क प्रोडक्शन uh, uh, होता है वो भी एक तरह से आप कह सकते हो कि प्रोजेस्टरॉन उसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है मिल्क सिक्रीशन के अंदर भी ठीक है तो एस्ट्रोजन इज बेसिकली रिलेटेड विद द फीमेल सेक्शुअल बिहेवियर डेवलपमेंट ऑफ द सेक्शुअल ऑर्गन अपियरेंस ऑफ द सेक्सुअल करेक्टर्स एंड प्रोजेस्टरॉन इज बेसिकली यू नो फॉर सपोर्टिंग द ओके okay? तो ये याद रखना है अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई एस्ट्रोजन होता है या ऑस्ट्रोजन जो होता है वो क्या है तो आप कहते दीज आर द फीमेल सेक्सुअल हॉर्मोन्स रिलीज बाय द ओवरीज ओके okay? पर्पस पूछा जा सकता है तो आपको उस चीज में भी रेडी रहना चलिए नेक्स्ट अपना जो अपने को हार्मोन की बनता है इंसुलिन तो इंसुलिन के साथ साथ हम यहाँ पर ग्लूकेगोन के बारे में भी पढ़ेंगे ठीक है तो ये दो हार्मोन्स हैं दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स जो होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं देखिए ब्लड शुगर जो होता है ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है लेकिन उसको बैलेंस में मेंटेन करना होता है ब्लड शुगर अगर ज्यादा हो जाए रिक्वायर्ड लेवल से ज्यादा यानी कि वो प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है तब भी प्रॉब्लम है अगर ब्लड शुगर कम रह जाए यानी कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज नहीं मिल रहा है इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पा रहा है एनर्जी नहीं आ पा रही है तो वो भी प्रॉब्लम तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए इंसुलिन एंड ग्लूकेकोन जो है वो रोल प्ले करते हैं तो अल्टीमेटली होता क्या है हम खाना खाते हैं हमारे खाने में से जो हमारी बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट्स को उठा लेती है और कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में ठीक है ग्लूकोज इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर ओके और ये जो सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर होता है ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है ओके नाउ बॉडी ब्लड शुगर लेवल मेजर्स हाउ इफेक्टिवली आर बॉडी इज यूजिंग ग्लूकोज जब आप ब्लड शुगर का टेस्ट टेस्ट कराने जाते हो ना तो वो बेसिकली ये चेक करते हैं ब्लड शुगर के टेस्ट में कि क्या जो आपकी बॉडी है ठीक है वो प्रॉपरली ग्लूकोज को इस्तेमाल कर पा रही है अब दो चीजें होती हैं दो चीजें होती हैं और उन या तो शुगर ज्यादा होगा या कम होगा ठीक है या नॉर्मल होगा तीन चीजें हो गई ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है कम होगा तो भी प्रॉब्लम है नॉर्मल है तो वो बात बनेगी और इंसुलिन एंड ग्लूकोगोन मैंने आपको बताया कि ये दो हार्मोन है जो इस ग्लूकोज के लेवल को ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और ये हार्मोन सिक्रीट कौन करता है टेंक्री या सिक्रीट करते हैं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधा सीधा कि इंसुलिन इज रिलीज इंसुलिन हार्मोन इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग या ग्लूकेगॉन इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नीचे चार ऑप्शन दे, दे देंगे लीवर पेंक्रियाज चार आपको पार्ट्स दे देंगे आपको आंसर बताना होगा आंसर हो जाएगा पेंक्रियाज ओके okay? क्योंकि इनको पेंक्रियाज रिलीज करते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकेगन को दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज पेंक्रियाटिक एंडोक्राइन हार्मोन ठीक है पेंक्रियाटिक एंडोक्राइन हार्मोन चार हार्मोन्स के नाम दे देंगे पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज पेंक्रियाटिक एंडोक्राइन हारमोन तो इस तरह से दिमाग को खुले रख के आपने पढ़ना है और यहां पर याद करते हुए चलना है ठीक है जी अब अगर बॉडी ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं कर पा रही जो कार्बोहाइड्रेट्स उठाए बॉडी ने और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया लेकिन ग्लूकोज को एनर्जी की फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे ठीक है यानी कि ब्लड शुगर जो लेवल है वो हाई हो जाएंगे हमारी बॉडी के अब इस केस में पेंक्रिया जो है इंसुलिन रिलीज करेंगे ठीक है और ये जो इंसुलिन होगा ये क्या करेगा ये सेल्स को हेल्प करेगा कि वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है जिसको वो एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है वो इसको एब्जॉर्ब कर लें एंड अल्टीमेटली इट विल रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल ठीक है ब्लड शुगर लेवल जो है कम हो जाएगा क्योंकि ग्लूकोज सिंथेसाइज कर लिया बॉडी ने अब जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है आपने देखा होगा जिनका वेरी हाई शुगर रहता है वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में नेचुरली इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा अगर इंसुलिन हार्मोन उनकी बॉडी में ही प्रोड्यूस होगा तो उनको इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है इंस, इंसुलिन इंजेक्शन क्या हेल्प उनको करता है ब्लड शुगर जो लेवल हाई है सेल्स को वो प्रमोट करता है कि वो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लें ठीक है सिमिलरली अगर बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल लो है उस केस में पेनक्रियाज क्या करेगा उस केस में पेनक्रियाज रिलीज करेगा ग्लूकेगोन को ग्लूकोगॉन क्या करेगा ग्लूकोगन लीवर को एक ऑर्डर देगा कि भैया शरीर का जो है शुगर लेवल कम है फटाफट से जो स्टोर्ड ग्लूकोज है जो भी तुम्हारे पास स्टोर्ड ग्लूकोज है जो भी तुमने इन्वेंट्री के अंदर रखा हुआ है अपने स्टोर हाउस में रखा हुआ है उसको रिलीज कर दो और जैसे ही लीवर के पास ये ऑर्डर पहुंचेगा लीवर ग्लूकोज रिलीज कर देगा जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा नॉर्मलसी की तरफ ठीक है तो इंसुलिन इंक्रीज ब्लड लेवल को कम करने में काम करता है ब्लड शुगर लेवल को और अगर ब्लड शुगर लेवल लो है तो उसको नॉर्मल की तरफ लेकर जाने का काम करेगा ठीक है ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है नेक्स्ट था अपना जो अपने को ऑप्शन में गिवन थाइन था, के बारे में गिवन था तो थोक्साइन हार्मोन कहां से रिलीज होता है वो होता है ग्लैंड से ठीक है तो अब जो थाइड ग्लैंड होता है दिस इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ ऑफ टू आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड द ट्रैकिया ठीक है ट्रैकिया के इन दोनों साइड पे ऐसे आपका जो है थायराइड uh, ग्लैंड uh, जो है लोकेटेड होता है और ये जो दोनों लोब्स होते हैं कनेक्टेड होते हैं आपस में एंड दिस कनेक्टिंग टिश्यू इज कॉल्ड एज इस्थमस ज्योग्राफी में भी हम पढ़ते हैं ना इस्थमस ठीक है ज्योग्राफी में हम इस्थमस क्या होता है कि भाई दो अगर लैंड एरियाज हैं दो ऐसे डिफरेंट लैंड एरियाज हैं उनको एक ऐसे कनेक्टिविटी दी गई है एक लैंड के थ्रू तो उसको हम क्या बोलते हैं इस्थमस तो सिमिलरली यहाँ पर इस्थमस इसको बोलते हैं अब ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यूज का बना हुआ होता है ठीक है द फॉलिकुलर सेल्स जो इसके जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ये दो हॉर्मोन्स को सिंथेसाइज करते हैं एक होता है आपका थारॉक्साइन या जिसको आप टेट्रा आयोडो थारोन भी कहते हो या फिर एंड द सेकेंड वन इज ट्राई ट्राइ ऑडोथायरो राइट टी फोर एंड टी थ्री ये दो हॉर्मोन्स जो हैं आपके सिंथेसाइज होते हैं थायरॉइड ग्लैंड में ठीक है जी आ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो बॉडी पार्ट है वो इसको रिलीज करता है और ये आयोडीन को रेगुलेट करते हैं बॉडी के अंदर ठीक है अब आयोडीन अगर आप देखो बहुत एसेंशियल जो है रहता है आप, आपकी बॉडी के लिए ओके एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हॉर्मोनल सिंथेसिस इन द दायरॉइड अगर हार्मोनल सिंथेसिस अगर आयोडीन आपकी बॉडी में प्रॉपर नहीं जा रहा तो हार्मोनल सिंथेसिस जो है वो प्रॉपर नहीं होगा अब अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन है तो इसकी वजह से आपको दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एक प्रॉब्लम होती है आपको हाइपोथाइरो हाइपोथर राइट एंड दूसरी प्रॉब्लम होती है आपको ग्वाइटर की ओके दूसरी प्रॉब्लम होती है ग्वाइटर की ग्वाइटर बेसिकली क्या होता है आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज होना शुरू हो जाता है बड़ा होना शुरू हो जाता है ठीक है और हाइपोथाइरोडिज्म से क्या होता है इसमें एक तो प्रेगनेंसी में डिफेक्ट आने के चांसेस रहते हैं ठीक है जैसे कि मेचोरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी जिसकी वजह से स्टेंटेड ग्रोथ हो सकती है मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है बेबी का लो इंटेलिजेंस हो सकता है ठीक है उसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म जो है इनरेगुलर मेस्टुरल साइकिल जैसी प्रॉब्लम्स भी जो है एडल्ट वुमेन में कॉज करता है ठीक है तो ये पूछा जा सकता है कि भाई हाइपोथाइर किस वजह से होता है तो आप कह दोगे डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से हो, होता है नीचे चार पांच ऑप्शन होंगे कि भाई विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है ठीक है ना तो आंसर क्या हो जाएगा कि आयोडीन की डेफिशियसी से होता है सिमिलरली आप कह दोगे कि आयोडीन अगर नहीं मिल रहा है प्रॉपर तो ग्वाइटर भी हो सकता है आपसे पूछ सकता है कि ग्वाइटर में होता क्या है तो आप कह दोगे कि एनलार्जमेंट ऑफ थारॉइड ग्लैंड हो जाता है ठीक है आपसे पूछ सकता है कि हाइपोथर से प्रॉब्लम क्या होती है नीचे चार ऑप्शन दे देगा आप क्या दो साइकिल में प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी में डिफेक्ट आ सकते हैं ठीक है ना तो इस तरह से आपको जो है अपना आंसर तैयार करना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज थ्रू ब्राइन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप ब्राइन के थ्रू पास करोगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा एन ए सी एल एन एच के सी एल के ओ एच अब जिसने एनसीआर पढ़ी हुई है वही इसका आंसर दे सकता है ओके okay, तो आंसर इस केस में होगा आपका ऑप्शन बी इसमें रहेगा एन ए ओ एच ठीक है एन ए ओ एच जो है ये प्रोड्यूस करता है यहां पर आंसर लिखा नहीं हुआ तो यहां पर लिख देते हैं एनएओए प्रोड्यूस ठीक है produced, तो वेन इलेक्ट्रीटी इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्विड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन इट डीकम्पोजिज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड नाउ वट इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड टू एन एच और ये जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिसिटी पासिंग का थ्रू द सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जिसको आप ब्राइन कहते हो एन नमक का पानी भी आप इसको कह सकते हो ऑल राइट तो जब आप ये कर रहे हो तो उस केस में जो ये प्रोसेस होता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरो एल्केलाई प्रोसेस बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर क्लोर फॉर क्लोरीन यहां पर क्लोरीन बन रहा है एंड एल्कलाई फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड तो इसको क्लोर एल्कलाई प्रोसेस भी कहते हैं तो आपसे पूछा भी जा सकता है जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछा था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पास किया हमने ब्राइन से तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ, पूछा जा सकता है द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिसिटी द प्रोसेस ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ब्राइन इज कॉल्ड ठीक है तो उस केस में आपका आंसर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आइसोटॉप ऑफ कोबाल्टूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ देखो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया फिर से ठीक है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली एनसीआरटी से उठाया है कि कोबाल्ट के जो आइसोटोप होते हैं वो किस ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं कैंसर के ग्वाइटर के बेरी बेरी के या फिर क्रॉन्स डिजीज के कौन से बीमारी के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट के आइसोटोप यूज करे जाएंगे ठीक है जी तो आंसर यहां पर क्या होगा आंसर होगा आपका ऑप्शन ए right, अब एनसीईआरटी में हमारे पास कुछ ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि कौन से आइसोटोप्स हैं जिनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज आर यूज इन डिफरेंट एरियाज तो यूरेनियम के आइसोटोप किस लिए इस्तेमाल होते हैं फ्यूल की फॉर्म में यूज किए जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में का isotope, cancer, ये आपने याद रखना है। पूछा जा सकता है आइसोटोप ऑफ आयोडीन पूछ लेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं आइसोटोप ऑफ आयोडीन कर दू आपके एग्जाम में और एक क्रॉन्स डिजीज की जगह मैं यहां पर ग्वाइटर लिख दू तो उसके इसमें आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ओके okay, इस तरह से भी सवाल पूछे जा सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द टू एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन प्रोटीन्स बट जनरली एबसेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स आर दो ऐसे जो आपके एलिमेंट्स हैं जो प्रोटीन्स में प्रेजिडेंट हैं बट कार्बोहाइड्रेट्स में वो आपको नहीं मिलेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन कार्बन एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड सल्फर एंड हाइड्रोजन तो यहाँ पर क्या आंसर होगा यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन सी देखो नाइट्रोजन तो अपने को पता है कि नहीं होता कार्बोहाइड्रेट्स में ठीक है सल्फर के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता कि होता है या नहीं होता लेकिन हमको यह पता है कि जितने हैं जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जितने लिपिड्स हैं ये तीन बेसिक मॉलिक्यूल्स इन तीनों में मिलेंगे वो क्या क्या है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों में मिलेगा तो इसीलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन है ऑप्शन बी नहीं हो सकता कार्बन है ऑप्शन डी नहीं हो सकता हाइड्रोजन है ठीक है तो बचता ही अपने पास ऑप्शन सी है ऑलराइट राइट हाउ एवर

ओके नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन ऑल एमिनो एसिड्स विच आर बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स जो प्रोटीन चेन बनाते हैं ओके okay, तो नाइट्रोजन एक ऐसी चीज है आपने याद रखना है जो ना आपको कार्बोहाइड्रेट्स में मिलेगा ना लिपिड्स में मिलेगा सिर्फ प्रोटीन में मिलेगा ओके okay, सल्फर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन अपने को नहीं है लेकिन ये कहीं पर एनसीआरटी में मैंशन भी नहीं है सल्फर और प्रोटीन का जो रिलेशनशिप है देखिए आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट तो जितना मैं खुद मैंने अपने समय में तैयारी करते हुए पढ़ा है वो मैं आपको यहां पर करा रहा हूं तो उससे आपका आंसर इजीली हो जाएगा एग्जामिनर ने भी इसीलिए दो ऑप्शन वाला रखा है एक ऑप्शन वाला नहीं रखा वो सिर्फ सल्फर दे अगर फसा देता सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन और आपको सल्फर ठीक है ऐसे भी दे देता अगर ऑप्शन ऑक्सीजन ऐसे भी दे, दे देता ऑप्शन तब भी आप इसका सल्फर कराते क्योंकि अपने को ये तो पता है कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है ही दोनों में है ना वो तो दोनों में है ही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वेट और मास के बीच में डिफरेंस यहाँ पर गिवन है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है ऑप्शन ए कहता है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो जगह से जगह वेरी करता है इट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट मास कॉन्स्टेंट रहता है ऑप्शन बी कहता है मास जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है वेट कॉन्स्टेंट रहता है सी कहता है कि दोनों मास और वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करते यानी कि कॉन्स्टेंट रहते हैं ऑप्शन डी कहता है कि वेट और मास दोनों जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं ओके okay? तो सीधा सा सवाल है ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है अगर आज छठी से दसवीं तक साइंस पढ़ी है हमने सबने तो आंसर इजीली हो जाता है आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन ए हम सब जानते हैं कि वेट जो है इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट मास जो है वो कांस्टेंट रहता है किसी भी बॉडी का ओके okay? तो ये एक मास और वेट के बीच में डिफरेंसेज का आपका टेबल है जो काफी आपको इंपॉर्टेंट रहेगा इसका स्क्रीनशॉट भी ले, ले लेना चाहिए तो मास इज एन एट्रीब्यूट रेफरिंग टू द अमाउंट ऑफ मटीरियल इन साइड द बॉडी और वेट क्या होता है कि कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही है ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रिप्रेजेंटेड बाय एम मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं एम से रिप्रेजेंट करते हैं वेट को मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड और वेट जो है वो आपकी मैग् वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है अब आपको यहाँ से स्केलर क्वांटिटी और वैक्टर क्वांटिटी के बारे में भी पता चल गया कई बार इस, इस तरह से सवाल भी पूछ सकते हैं कि भाई स्केलर क्वांटिटी और वैक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है जैसे मास और वेट का डिफरेंस का पीछे पूछ लिया ठीक है ऐसी ऑप्शन बना देंगे स्केलर क्वांटिटी इज अ सॉरी मास इज अ स्केलर क्वांटिटी बट वेट इज अ ज अलर क्वान्टिटी इस तरह से ऑप्शन बना के आपको दे देंगे और कहेंगे सही बताओ ठीक है ऑल राइट मास जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है रिगार्डलेस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वेट जो है वो वेरी करेगा मास इसी वजह से कांस्टेंट रहेगा सारी लोकेशंस पे क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड का कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है वेट बढ़ेगा घटेगा इसी वजह से क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है मास कभी भी किसी बॉडी का जीरो नहीं हो सकता वेट जीरो हो सकता है अगर वो बॉडी नो ग्रेविटी वाले एरिया में है अगर आप चांद के ऊपर चले जाओ स्पेस के ऊपर चले जाओ बॉडी फ्लोट करती है क्यों क्योंकि ग्रेविटी नहीं है आपका जो वेट ऑफ द बॉडी है एक एस्ट्रोनोमर uh, का वेट ऑफ द बॉडी इन स्पेस इज जीरो बट हिज मास कैन नेवर बी जीरो ठीक है मास uh, को जनरली वेरी किया जाता है एनालिटिकल बैलेंस बीम बैलेंस या फिर कैलिब्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से और वेट मेजर किया जाता है स्प्रिंग या कंप्रेशन बैलेंस से इन और gram, और ग्राम मास वेट जो है आपका न्यूटन में मेजर किया जाता है बिकॉज इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी राइट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये आप याद कर लोगे तो मास और वेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका गलत नहीं होएगा कहीं पर नहीं फंसेगा ठीक है स्क्रीनशॉट ले लेना ले इसका चाहे चलिए सो ऑलराइट फ्रेंड्स इसके साथ हमारा ये वाला वीडियो जो है पांच क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं आई होप आपको मज़ा आया होगा और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और आपने देखा कि क्वेश्चन पांच हैं पर कम से कम पंद्रह का मटीरियल आपको यहाँ पर मिला है चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है शेयर जरूर करना है जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल राइट एंड बाकी की प्लेलिस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय